हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हॉर्न एंटीना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीना है और बेसिक से देखेंगे होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेव गाइड क्या है। कुछ लोगों को वेव गाइड में कुछ डाउट्स होंगे, तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि वेव गाइड होता क्या है और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि वेव गाइड से हम हॉर्न एंटीना कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ हॉर्न एंटीना, कि हम डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं हॉर्न एंटीना की फॉर पर्टिकुलर पैरामीटर्स। मुझे पर्टिकुलर पैरामीटर चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्टिविटी चाहिए, पर्टिकुलर हाफ पावर बीमविड्थ चाहिए, उसके लिए मैं अपना हॉर्न एंटीना को कैसे डिजाइन करूंगी, ये देखने वाले हैं। और एट लास्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है हॉर्न एंटीना की। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। हॉर्न एंटीना क्या होता है? हॉर्न एंटीना होता है जब हम वेव गाइड को फ्लेयर आउट कर देते हैं। ठीक है, वेव गाइड को एंड से फ्लेयर आउट करा तो ये एंटीना एक हॉर्न एंटीना की तरह दिखता है। एक्चुअली वेव गाइड ही है, वेव गाइड को हमने फ्लेयर आउट कर एक हॉर्न एंटीना बना दिया है। अब आ जाते हैं वेव गाइड की डेफिनेशन के ऊपर। तो वेव गाइड क्या होता है? कुछ लोगों को डाउट होगा कि वेव गाइड क्या है। वेव गाइड एक हॉलो मेटेलिक ट्यूब है जिसके अंदर या तो एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करती है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। हॉर्न एंटीना कैसे बना? बाय फ्लेयरिंग द एजेस ऑफ द वेव गाइड। और वेव गाइड क्या है? वेव गाइड एक हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। वेवगाइड एक हॉलो मेटेलिक ट्यूब है जिसके अंदर या तो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करती है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के वेवगाइड होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस है, ठीक है, वो सर्कुलर जैसा है, तो इसे हम सर्कुलर वेवगाइड बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड ये वाला जो वेवगाइड दिख रहा है, इसका सरफेस देखें तो एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो इसे हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड बोलते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं वेव गाइड की करेक्टेरिस्टिक्स के ऊपर। वेव गाइड समझ आ चुका होगा कि होता क्या है। ठीक है, दो करेक्टेरिस्टिक्स होते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता क्या है। ट्रांसवर्स नाम से पता लग रहा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होएगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो होएगा और इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक क्या होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक क्या होता है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब नाम से पता लग रहा है, ट्रांसवर्स तो मतलब था परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या बोलूंगी कि ई है, ई इन जेड डायरेक्शन इज जीरो, मतलब इन द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रहा है ये वाला केस ले लेते हैं। यहाँ पर जेड डायरेक्शन में लेट सपोज एनर्जी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ई इन जेड डायरेक्शन इज जीरो एंड ई इज नॉट जीरो इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, अब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक क्या आएगा? मैग्नेटिक में ई की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी ई एम एन क्या होता है या टी एम एम एन क्या होता है।
क्या है ये वर्ड, ये भी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं जब हम वेव गाइड की बात करते हैं। मैं बताती हूँ कि TE10 होता है जो डोमिनेंट मोड होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए। तो TE10 में ये 10 है क्या, ये बताना चाहिए। ठीक है, तो इस 10 को हम कैसे लिखते हैं, MN से। ये सबस्क्रिप्ट MN है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि M क्या है। M है नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन इन X डायरेक्शन। N क्या है, नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन इन Y डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं TE10 की बात करूं तो TE10 में M क्या है, M है 1, N है 0। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसकी हाफ साइकिल वेरिएशंस X डायरेक्शन में है। ये हमारा वेव गाइड है, ठीक है, तो ये Z डायरेक्शन है, ठीक है, ये X डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो हमारे जो हाफ साइकिल वेरिएशन है वो x डायरेक्शन के अंदर है। जो हमारा वेव गाइड होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक वेव गाइड है जो x डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में, तो हमारी फील्ड और एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। मैंने क्या कहा, ये 10 मोड में है, तो m क्या है, 1, तो मतलब नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन इन x डायरेक्शन इज 1, मतलब x डायरेक्शन में एक हाफ साइकिल है। ठीक है, मैंने x डायरेक्शन में हाफ साइकिल बना दी। तो अगर मेरा x डायरेक्शन में हाफ साइकिल है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी y डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है y डायरेक्शन। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो TE10 में मैंने क्या कहा कि 1 मींस नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशन इन x डायरेक्शन, मतलब एक हाफ साइकिल है x डायरेक्शन में, मैंने एक हाफ साइकिल बना दी। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन तो y डायरेक्शन में रहेगी, तभी वो वेरी करेंगे x डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज आई होप अब क्लियर हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं वेव गाइड एज एंटीना। मैंने क्या बोला था कि वेव गाइड को हम फ्लेयर आउट कर दें तो वो हॉर्न एंटीना बन जाता है, बट लेट सपोज मैंने फ्लेयर आउट ही नहीं करा, मैंने एज इट इज वेव गाइड को ही एज अ हॉर्न एंटीना यूज करा, तो या फिर वेव गाइड को एज अ कोई भी एंटीना यूज करा, हॉर्न तो अभी बना नहीं है, सो वेव गाइड ये है मेरा एंटीना की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो 50 ओम होता है, बाहर जो इम्पीडेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इट इज 377 ओम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने वेव गाइड को डायरेक्टली यूज करा तो एकदम से इम्पीडेंस मैचेस हो जाएगी एजेस पर, जैसे ही एनर्जी यहाँ पहुंचेगी इसे 377 ओम मिलेगा, अभी तक इसे 50 ओम मिल रहा था जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होने लगेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली वेव गाइड को एंटीना यूज करती हूँ तो रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम ड्यू टू इम्पीडेंस मिसमैच। सेकेंड प्रॉब्लम क्या रहेगी, यहाँ पर जैसे ही एनर्जी इसके एजेस पर पहुंचेगी, क्योंकि सडनली एजेस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगी, डिफ्रेक्ट कर जाएगी। विच मीन्स डायरेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यहां पर एजेस पर डिफ्रेक्शन होगा, डिफ्रेक्शन मतलब फैल जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेव की एनर्जी है वो फैल जाएगी, डायरेक्टिविटी कम हो जाएगी ड्यू टू सडन शार्प एजेस। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना पर। मैंने आपको 10 मोड बताया था, 10 मोड में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, 10 में मेरा हाफ साइकिल एक्स डायरेक्शन में था तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं सेक्टोरियल ई प्लेन हॉर्न बोलूं तो जब अगर मेरा ई डायरेक्शन कौन सी है, ई डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, तो ई के आगे हमेशा आप वाई लिख लीजिए। ठीक है, तो सेक्टोरियल ई प्लेन में मैं क्या करूंगी, वाई डायरेक्शन को फ्लेयर आउट कर दूंगी, तो सिर्फ मेरा ई प्लेन में हमारी फ्लेयरिंग हुई है।
क्योंकि ई प्लेन कौन सा था, वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन को ही फ्लेयर आउट करा, एक्स डायरेक्शन को एज इट इज रखा, तो हमारा जो एंटीना है वो कुछ ऐसा दिखेगा और एंटीना का सरफेस अगर देखें तो वो ऐसा दिखेगा। तो जो हमारा सामने से देखे जाए एंटीना, तो हमें ऐसा एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेगा जिसका वाई लेंथ ज्यादा होएगा एंड एक्स लेंथ कम होगा, वाई लेंथ में, क्योंकि ई प्लेन था। और अगर हमारा एच प्लेन देखा जाए तो एच प्लेन हमारा एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं एच प्लेन की बात करूं तो एच के आगे आप एक्स लिख सकते हैं, सेक्टोरियल एच प्लेन हॉर्न के आगे अगर मैं एक्स डायरेक्शन को फ्लेयर आउट कर दूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स ज्यादा है और वाई कम है, तो इसे मैं सेक्टोरियल एच प्लेन हॉर्न बोलूंगी। पिरामिडल हॉर्न, पिरामिडल हॉर्न में क्या है कि मेरा एक्स भी ज्यादा है और वाई को भी फ्लेयर आउट कर रहे हैं, ठीक है। पिरामिडल में लेट सी दिस इज माई पिरामिड, तो इसका जो सरफेस दिखेगा वो एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, क्योंकि मैंने एक्स डायरेक्शन को भी और वाई डायरेक्शन को भी दोनों को फ्लेयर करा है। अब आ जाते हैं कोनिकल, कोनिकल हॉर्न बनता है, अभी तक मैंने कौन से टाइप का वेवगाइड यूज करा था, अभी तक मैंने रेक्टेंगुलर वेवगाइड यूज करा था। जैसे ही मैं सर्कुलर वेवगाइड यूज करूंगी तो मेरा कोनिकल हॉर्न बनेगा, यहां पर पूरे सर्कल को फ्लेयर आउट करना पड़ेगा और ऊपर से देखेंगे तो ये एक सर्कल जैसा दिखेगा, तो इसे हम कोनिकल हॉर्न बोलते हैं। अब आ जाते हैं डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये जो हमारा एंटीना है किसी भी पर्टिकुलर हाफ पावर बीम विड्थ के लिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टिविटी के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा एंटीना है, हॉर्न एंटीना है, तो मैंने उसकी एजेस को फ्लेयर आउट करा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर पोर्शन बना दिया है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। इस सर्कुलर पोर्शन को एल लेंथ से हमने डिनोट करा है, यहाँ पर जो लेंथ है उसे एक्चुअली एल लिया है और आर्क बनाकर यहाँ पर भी हमने एल लेंथ ले लिया, उससे जितनी ज्यादा लेंथ है उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है, डेल्टा इज द एक्स्ट्रा लेंथ। ए क्या है, ए है सरफेस की लेंथ, कितना ज्यादा सरफेस पर ये लेंथ दिख रही है वो है ए, ठीक है। और थीटा क्या है, फ्लेयर का एंगल। अब आ जाते हैं इसी को ही इक्विवेलेंट ट्रायंगल पर, इसका ही इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनाया, इस हाफ ट्रायंगल को देखे जाए तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है। हाफ के लिए ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए अपॉन टू, ये लेंथ तो एल ही रहेगी और ये टोटल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम थीटा बाय टू को कैसे लिख सकते हैं, थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, अगर टैन की टर्म्स में लिखूं तो टैन इनवर्स क्या है, ए अपॉन टू अपॉन एल, सो ए अपॉन टू एल इज थीटा अपॉन टू, थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए अपॉन टू एल। अगर मैं इसी को ही कॉस इनवर्स के फॉर्मूला में लिखूं, सो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, एल, यहाँ पर बेस क्या है एल और हाइपोटेन्यूज क्या है एल प्लस डेल्टा, सो कॉस इनवर्स एल अपॉन एल प्लस डेल्टा। अब मेरे को साइन की टर्म्स में लिखना है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू परपेंडिकुलर लेते हैं अपॉन हाइपोटेन्यूज एल प्लस डेल्टा, सो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स की टर्म्स में। सो ऐसे हम थीटा को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एल है, अगर मेरे पास डेल्टा है या मेरे पास ए है, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे और हम थीटा बाय टू को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। फिर आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर इजिली एप्लीकेबल है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस टू एल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि L इधर भी है, L इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा L डायरेक्टली, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है। तो डेल्टा इज वेरी स्मॉल इन दिस केस एंड डेल्टा स्क्वायर क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर भी गया, तो आई कैन से ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू टू एल डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा है ए स्क्वायर अपॉन एट एल, ठीक है। तो यहां से हमें डेल्टा पता लग गया। अगर हमें ए और एल पता है बाय चांस, तो मैं थीटा भी निकाल सकती हूं, मैं डेल्टा भी निकाल सकती हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्टिविटी पे, डायरेक्टिविटी होता है
इट इज नियरली इक्वल टू 7.5 ae अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और आ जाते हैं ई प्लेन और एच प्लेन में हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होती है। ठीक है, हाफ पावर बीम विड्थ होती है 56 डिग्री अपॉन ए ई लैम्डा। लैम्डा तो हमें पता है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें ऑपरेट कराना है वो फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ए ई क्या है, ए ई क्या है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है इसकी कुछ लेंथ होगी कुछ विड्थ होगी, जो भी ज्यादा लेंथ वाला पार्ट है उसे हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, जिसकी भी या तो विड्थ की लेंथ ज्यादा है या एक्स डायरेक्शन में लेंथ ज्यादा है, दोनों में से जो भी ज्यादा है उसे हम ए बोलेंगे। ठीक है, तो हाफ पावर बीम विड्थ क्या हो जाएगा, 56 डिग्री अपॉन ए ई लैम्डा। फर्स्ट नल बीम विड्थ हो जाएगा 115 डिग्री अपॉन ए ई लैम्डा। ठीक है, अब आ जाते हैं एच प्लेन के लिए। एच प्लेन में हाफ पावर बीम विड्थ हो जाएगा 67 डिग्री अपॉन ए एच लैम्डा। फर्स्ट नल बीम विड्थ हो जाएगा 172 डिग्री अपॉन ए एच लैम्डा। अब आ जाते हैं डेल्टा फॉर ई प्लेन। डेल्टा जो आएगा हमारा ई प्लेन के लिए ये आएगा 0.25 और लेसर देन दैट। ठीक है, और डेल्टा फॉर एच प्लेन आएगा अराउंड 0.4। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर, ये किस लिए यूज होता है, हॉर्न एंटीना कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो ये यूज होता है सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए। सेकंड, ये यूज होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए। थर्ड, ये यूज होता है एज अ फीड ऑफ रिफ्लेक्टर एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना मैंने आपको बताया था पैसिव एंटीना है, तो उसको एक एक्टिव एलिमेंट चाहिए, उसके लिए एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा हॉर्न एंटीना। और फोर्थ, इट इज यूज्ड इन डिशेस फॉर कम्युनिकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हॉर्न एंटीना की कि यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मेरा पास कोई रिसीवर है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मुझे पता है कि मुझे इसी रिसीवर से बात करनी है, तो मैं किसी और डायरेक्शन में अपने रेडिएशन को नहीं भेजना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैंने बहुत सारी डायरेक्शन में रेडिएशन भेजी उतना मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, आई डोंट वॉन्ट दैट। तो उस केस में मैं हॉर्न एंटीना को यूज कर सकती हूँ। प्लस हॉर्न एंटीना बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करते हैं, क्योंकि अगर लो फ्रिक्वेंसी पर यूज करेंगे तो इसका गेन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कराना है तो हॉर्न एंटीना बहुत अच्छा गेन देगा, बहुत ही अच्छा एंटीना है तब। अदरवाइज वी हैव टू अवॉइड इट। हम पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं इसके साथ, या फिर कुछ और, मतलब हमें अगर बहुत ज्यादा गेन की बात करनी है तब हम हाई फ्रीक्वेंसी में ही हॉर्न एंटीना को ऑपरेट कराना चाहेंगे। सो आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हेयर। आई होप आपको ये सब सेशन में जो भी सिखाया गया है सब पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कहीं पे भी कुछ डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।